हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है आफ्टर ब्रशिंग माय टीथ। जो हम सब अपना डे ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। नॉर्मली फेस वॉश मैं आजकल जेल बेस्ड यूज़ कर रही हूँ। सोप बेस्ड फेस वॉश जो थे वो मेरी स्किन को थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई कर रहे थे। अभी मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम हो गया है और बाहर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है मुझे और काफ़ी काम सा एटमोसफेयर लग रहा है। बाहर कुछ लोग वॉक भी कर रहे हैं और कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं। मोस्टली मुझे इस टाइम काफ़ी अच्छा फील होता है। उठने के बाद मैं बेल्कनी पे आके ये व्यू देखती हूँ सबसे पहले। और इस टाइम पे जो बाहर लोग हैं वो भी बहुत कम होते हैं। सो इसीलिए मैं वॉक पे आ गई अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी शांत है सब, लोग भी कम हैं, तो मुझे बाहर आना काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइम पे। और वैसे भी नॉर्मली मॉर्निंग में जब मैं उठ जाती हूँ उसके बाद मेरा कुछ टाइम तक लाइक 1-2 घंटा मोस्टली किसी से भी ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता। ये टाइम मैं सिर्फ अपने साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ, या नेचर के साथ ये टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाना, ग्रीनरी देखना और वॉक करना, इन चीज़ों पे इस टाइम मुझे टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। और एंड आई थिंक कि हम सबको उठने के बाद कुछ टाइम सिर्फ अपने साथ स्पेंड करना चाहिए, ना कि कोई फ़ोन पे या किसी और चीज़ पे। हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा दिन अच्छा निकले और हम अपने काम पे, अपनी दूसरी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकें। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक तरीका है अपना डे स्टार्ट करने का। और सोसाइटी से बाहर निकलते ही सबसे पहले हमें दिख जाती है ये गाड़ी जिसपे वेजिटेबल्स मिलती हैं। अभी यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे वॉक करने के लिए। सो ये एक साइड पे जैसे आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी है और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। सो थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ पे उड़ती रहती है वॉक करने के टाइम भी। 2-3 बार इस बस ने भी हमें, स्कूल बस ने क्रॉस किया तो काफ़ी मिट्टी आ गई थी। और आगे ये आप देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे ये हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे, काफ़ी ग्रीनरी है। और ये कितना क्यूट मुझे ये डॉग दिखा। डॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है मुझे ज़रूर बताना। और अभी हम लोग घर की साइड वापस जा रहे हैं। अभी घर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी बनाना है। सो चलते हैं अभी वापस घर। और हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गए। ये एरिया मुझे बहुत डरावना लगता है क्योंकि यहाँ पे लिजर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा छिपकली है इस एरिया में। मॉर्निंग के टाइम पे मोस्टली मुझे कुछ ऐसा ही बनाना अच्छा लगता है जो जल्दी से बन जाए, इजी हो और मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझ में मतलब एनर्जी नहीं होती कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा बनाऊँ। सो ये मैं बहुत इजी सा नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं कई बार बना लेती हूँ। ये फिलिंग भी है और आपको इसको एकदम खाने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होगा, और साथ में बहुत क्विक है, इजी है बनाना, कोई भी इसे बना सकता है। और अगर आप जॉब भी करते हो या आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं सो ये रेसिपी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जल्दी से बन जाती है। आपके अगर बच्चे हैं और वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनके लिए भी आप ये लंच बॉक्स रेसिपी ट्राई कर सकते हो। सो इसमें सिर्फ पनीर डलेगा और साथ में ये हमें वेजिटेबल्स जो हमने कट करी हैं ये हम पनीर में मिक्स कर देंगे। और
और उसके बाद आपको इसमें सिर्फ नमक, थोड़ी सी मिर्च और काली मिर्च अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, उससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। सो बस यही चीज़ें मैं ऐड करती हूँ मॉर्निंग में। कोई बहुत ज़्यादा हैवी मसाला या ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मैं ऐड नहीं करती हूँ। इसको हम ब्रेड में डाल लेंगे। ये वाला पैटी मेकर जो है ये सिर्फ मुझे 100+ का ही मिला था, 200 का भी नहीं था ये, और मैंने अमेजन से ही ऑर्डर किया था। इसमें पैटीज काफ़ी अच्छी बन जाती हैं और इजी बन जाती हैं। कई बार लेफ्ट ओवर भी कोई ना कोई सब्जी पड़ी हो तो उसको मैं इसमें फिल करके ऐसे बना लेती हूँ। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और कलरफुल भी हैं और साथ में हेल्दी भी हैं। और उठने के बाद हमें ट्राई करना चाहिए कि उठते ही हम चाय ना पिए, बिकॉज़ उठते ही चाय पीना ठीक नहीं रहता हमारे सिस्टम के लिए। सो उठने के बाद या तो मैं दूध पी लेती हूँ उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करके, या फिर मैं लेमन वाटर ले लेती हूँ उसमें भी हनी डाल लेती हूँ। अभी ये रूम काफ़ी ख़राब हो रहा है और इसको मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ। उठते ही मैंने बेड कवर भी नहीं ठीक किया और पहले वॉक पे चली गई थी, सो अब इस रूम को ठीक कर लेते हैं। और अभी मैंने रूम को थोड़ा साफ़ कर लिया है और हल्की सी डस्टिंग भी कर ली है। सो आप ये देखो रूम अभी कितना बेटर लग रहा है। सो अब मैं जाके चाय बना लूँगी और इसी के साथ अपना ये वीलॉग भी एंड कर रही हूँ। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।